यार फास्ट एक है लेकिन उस अभी तक मैंने एक्टिवेट नहीं किया है। एक्टिवेट कैसे करूँगा, प्लस उसका रिचार्ज कैसे होगा? अगर आपको भी जानना है तो आप हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि 1 दिसंबर 2019 से फास्टैग लागू होने वाला था, लेकिन इसकी डेट अब सरकार ने समयावधि जो है आगे कर दी है, यानी कि 15 दिसंबर से पहले आपको फास्टैग बनवा लेना होगा। दोस्तों काफ़ी जनों का एक सवाल है, मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना दी है, तो काफ़ी लोगों ने ऐसा सवाल किया कि हमारे पास ऑलरेडी फास्टैग है तो हम उसे एक्टिवेट कैसे करें, और काफ़ी जनों का सवाल होता है कि हम उसको रिचार्ज कैसे करें। दोस्तों अगर आपको भी जानना है इस बात को कि कैसे अपने फास्टैग को रिचार्ज करें प्लस कैसे उसको एक्टिवेट करें, तो आप हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं हूं सुप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं 24 टेक्निकल। दोस्तों आप चैनल पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, ताकि हमारे द्वारा टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो या फिर टेक्निकल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको मैंने बताया कि इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने फास्टैग को रिचार्ज प्लस उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपने फास्टैग को, जो भी आपके पास फास्टैग है, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपके पास NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक ऐप है, मतलब ऑफिशियल ऐप है, जिसका नाम है माई फास्टैग ऐप, ठीक है। उसको आपको इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल के अंदर। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको एक्सेस करके ऐप के अंदर सबसे पहले आपको अपने फास्टैग का जो सीरियल नंबर है उसके अंदर दर्ज करना होगा, और भी जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है उस ऐप के अंदर आपको देना होगा। जैसे आप उन सारी जानकारी को दे देते हैं तो आपका जो फास्टैग है एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका जो फास्टैग वेरीफाई प्लस एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप मान लीजिए आपने एक्टिवेट कर लिया माई फास्टैग ऐप के द्वारा, बहुत सिंपल है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे एक्टिवेट करेंगे, अब आपको क्या करना है, रिचार्ज करना होगा। दोस्तों रिचार्ज का ऑप्शन उस ऐप के अंदर है सिंपल तौर पर लिखा हुआ, ठीक है। तो उस रिचार्ज वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे मतलब UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस अलग अलग ऑप्शन आपको देगा। उस तरह आप आराम से किसी भी तरीके से आप अपने फास्टैग को रिचार्ज कर पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों फास्टैग के अंदर जो एक देखा जाए तो मिनिमम आप 100 रुपये का रिचार्ज कर सकते हैं और अधिकतम आप 10,000 तक का अपने अकाउंट के अंदर पैसे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका फास्टैग KYC हुआ पड़ा है, आपका फास्टैग का KYC हो रखा है, तो आप 1,00,000 रुपये तक भी आपने उसके अंदर अकाउंट के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों फास्टैग की जो मतलब वैलिडिटी होती है, एक फास्टैग वैलिडिटी 5 साल की होती है, यानी कि एक बार फास्टैग बनाने के बाद आप 5 साल तक उसको आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जहाँ तक मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी है कि आप अपने फास्टैग को एक्टिवेट कैसे करते हैं माई फास्टैग ऐप के द्वारा, ठीक है, प्लस आप उसको रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिए, माई फास्टैग ऐप को इंस्टॉल करके उसके अंदर आप वर्क कीजिए। जिससे आप आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को फुल एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसके ऊपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना चाहिए। आने वाले भविष्य में कुछ इस प्रकार वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए सीधा तौर पे हेल्पफुल साबित हो पाएगी। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।